भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद अब हाल ही में अंबाती रायडू और वेणुगोपाल राव ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अब संन्यास की इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज ब्रेंडन मैक्कुलम का नाम भी जुड़ गया है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान मैक्कुलम ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की है। ब्रेंडन मैक्कुलम ने कहा कि कनाडा टी20 लीग के खत्म होने के बाद वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपना अलविदा कह देंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुझे ये ऐलान करते हुए संतुष्टि और गर्व का एहसास हो रहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा टी20 लीग के बाद मैं किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलूंगा। हालांकि मैक्कुलम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने 101वें टेस्ट मैच के बाद 2016 में ही संन्यास ले लिया था। उसके बाद से वे सिर्फ अलग अलग देशों की टी20 लीग में ही खेल रहे हैं, लेकिन अब वो इन सब से भी संन्यास लेने का मन बना चुके हैं। 37 साल के मैक्कुलम की कप्तानी में ही न्यूजीलैंड की टीम 2015 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। हालांकि फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। मैक्कुलम ने कहा कि अपने 20 साल के कैरियर में मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन अब वो संन्यास का फैसला ले रहे हैं। ब्रेंडन मैक्कुलम टी20 क्रिकेट के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ वेस्टइंडीज के क्रिस गेल हैं, जो इस फॉर्मेट में 10,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। मैक्कुलम के नाम टेस्ट क्रिकेट में 6,453 रन हैं, जबकि वनडे क्रिकेट में वो 6,083 रन बना चुके हैं। टी20 में भी मैक्कुलम की बादशाहत कायम है। वो टी20 क्रिकेट में 2140 रन बना चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 107 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी मैक्कुलम के ही नाम है। टेस्ट इतिहास की सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी मैक्कुलम के ही नाम है। ये कारनामा उन्होंने 2016 में अपने आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंदों पर शतक जड़ते हुए किया था। SPN9 न्यूज़ के लिए मैं ब्रह्मांश यादव, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।